भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और SCO का मौका है, जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि वो वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा के लिए नहीं जा रहे। वेरी नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इज सच एंड आई थिंक we'll deal with it, but I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. Mr. Modi jo hai wo, he has got sufficient excuse not to engage with Pakistan. So yahan pe koi khushi bajane ki wo dhol bajane ki zarurat nahi hai. Jaishankar Pakistan aa rahe hai. जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे। और डॉक्टर एस जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है या उनके साथ मुगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक खबर होती है। मेरा ख्याल है लार्जली तो इस चीज के इम्कान बहुत कम है कि बायलैटरल बात हो। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना रशिया इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, एक बड़ी खुशखबरी ये है कि काफ़ी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसी ना छोटी मुलाकात हुई ना बड़ी मुलाकात हुई। अभी अगर हम अमेरिका की बात करें तो मोदी साहब भी वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, लेकिन इनके बीच कोई बात नहीं। हाँ, बैकडोर हो सकता है कोई मुलाकात की हो, कोई प्राइवेट डिनर हो, लेकिन ऑफिशियली खैर नहीं यार, नेताओं की आप कसम ना खाएं, होता रहता है। ठीक, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं SCO समिट के लिए और पाकिस्तान उम्मीद लगा रहा था कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन विदेश मंत्री ने साफ मना कर दिया है कि हम SCO समिट को सफल बनाने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ रिश्तों से में कोई समझौता नहीं होगा, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, और हम अगर रिश्ते सही करेंगे तो पाकिस्तान हमारी पीठ में ही छुरा घोंपेगा। पहले भी हमने कई बार देख लिया है, तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है, तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो है जेम्स बॉन्ड की तरह वहां पर पहुंच रहे हैं। अब मैं इसको आपको बहुत अच्छे से आपके व्यूअर्स को और आपको समझाना चाहती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है या उनके साथ मुगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन ईरान से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि वहां पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं SCO की मीटिंग में, क्योंकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, और हमारी ट्रीटी और बायलेटरल के रिलेशंस इतने खूबसूरत इन लोगों से होने के वजह से डॉक्टर एस जयशंकर का जाना बहुत जरूरी था। अब क्योंकि मेरा भारत बहुत सिविलाइज्ड देश है, क्योंकि मेरे भारत में गरीब बेटियों को, यतीम बेटियों को महरम और गैर महरम बोल करके बेइज्जत नहीं किया जाता है, बल्कि अभी नवरात्रि आ रही है, आ चुकी है, और 90 दिन हम लोग 9 बेटियों के पैर धोते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं और उनको उनको हम सजाते हैं, बिल्कुल देवी माँ की तरह सजाते हैं। तो हम हमारे डॉक्टर एस जयशंकर उन प्रथाओं के और उस धर्म के मानने वाले हैं, तो वहां जा करके जिस हिसाब से वो अपनी बात रखेंगे वो सुनने के लिए पूरी दुनिया बेचैन हो रही है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर की बात बहुत फेयरलेस होती है, बहुत करिश्मेटिक होती है, बहुत डायनामिक होती है, और हालिया में हमने जिस हिसाब से UN में, यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर की बात सुनी थी कि पाकिस्तान को GDP से नहीं मेजरमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान को टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से मेजरमेंट करना चाहिए, याद ही होगा आपको, 4-5 दिन पहले की बात है। तो भारत ने भारत है स्लैप डाउन पाकिस्तान मेनी टाइम्स, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और घर में घुस करके मारना और घर में घुस करके औकात याद दिलाना, हम सनातनियों की बहुत पुरानी आदत है, तो आई एम वेरी हैप्पी।
जहां पे आपने बात की इंडिया और पाकिस्तान के बीच तल्ख कलामियों के यूनाइटेड नेशन में, ये तो काफी टाइम से चलता आ रहा है। हमारे शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि अगर आप कश्मीर की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा, और उसके जवाब में फिर डॉक्टर अजय शंकर ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। लेकिन यहाँ पर नाजर जी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, एक बड़ी खुशखबरी ये है कि काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऐसी ना छोटी मुलाकात हुई ना बड़ी मुलाकात हुई। अभी अगर हम अमेरिका की बात करें तो मोदी साहब भी वहां पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, लेकिन इनके बीच कोई बात नहीं। हाँ, बैकडोर हो सकता है कोई मुलाकात की हो, कोई प्राइवेट डिनर हो, लेकिन ऑफिशियली खैर नहीं आए। नेताओं की आप कसम ना खाएं, होता रहता है, ठीक है, अच्छा, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया। तो इससे ये भी तो कहीं ना कहीं पर हम एक प्लस पॉइंट उठा सकते हैं कि भारत का पाकिस्तान की सरजमीन पर पैर रखना बहुत अरसे के बाद, हो सकता है कि हम दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज हो जाए, हो सकता है कि मसला कश्मीर को डिस्कस किया जाए, हो सकता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिसका इंडिया हर फोरम के ऊपर जिक्र करता है, क्या पता इस दफा हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट तैयार कर ही ली हो, क्योंकि जब डॉक्टर अजय शंकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया फिर सुनती है उसको। सबसे पहले शैला मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी दुनिया, टुच्चे लोगों को छोड़ दीजिए, चवन्नी छाप और अठन्नी छाप को छोड़ दीजिए, ये पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि नाजिया इलाही खान का चेहरा बहुत रेनाउंड है एज अ पॉलिटिकल फिगर, एज अ स्पीकर। क्या इस बात से पाकिस्तान डिनाई कर सकता है, क्या इस बात से गल्फ कंट्रीज डिनाई कर सकती है, क्या इस बात से भारत डिनाई कर सकता है, क्या इस बात से अमेरिका या रशिया डिनाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो एज अ रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री की कोई मुलाकात अमेरिका के क्वाड के मीटिंग में पाकिस्तान के वजीर आजम से नहीं हुई थी। दूसरी बात मैं आपको एज अ रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर मैं बता दूं और बहुत जिम्मेदारी से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी से मिलते हैं तो प्रखर होकर के दुनिया के सामने मिलते हैं, बिहाइंड द कर्टन कभी मिलना वो पसंद नहीं करते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेरे भारत के प्रधानमंत्री क्या, आपके वजीर आजम तो किसी से भी नहीं मिल पाए थे क्योंकि उनको तो एक कमरे में ही बंद कर दिया गया था, उनकी औकात ही नहीं थी किसी से मिलने की, ठीक है। नहीं नहीं, उनके सेहत डिस्टर्ब हो जाती है, आप समझा करें। ये बहुत अच्छा बहाना है, ये बहुत अच्छा बहाना है, बहुत बहुत खूबसूरत बहाना है ये। अब आती है बात कि देखिए एससीओ की मीटिंग और इस तरीके की समिट, ना ही कभी भारत ने इग्नोरेंट नेचर दिखाया है और ना ही कभी तारीफ के काबिल है। बिल्कुल, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो he has got sufficient excuse not to engage with Pakistan. So यहाँ पे कोई खुशी बजाने की वो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे। और मेरा ख्याल ये है, होता यह है कि समटाइम्स एजेंडा तय होता है। हाँ जी, वो होगा क्या कि शाम 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, दोपहर को 2 बजे वो आएंगे, अगले दिन वो सुबह चले जाएंगे। 2 दिन हो गए जी पूरे, ठीक है जी। वो जितनी देर का एससीओ का एजेंडा है उतनी देर के लिए जयशंकर आएंगे, उससे ज्यादा वो नहीं आएंगे। और आप देखना यह है कि क्या जयशंकर उतनी टफ बात करेंगे, उतनी मुश्किल बातें करेंगे, उतनी सख्त पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे जितनी इन्होंने अस्ताना में की थी। लोगों ने अस्ताना कवर नहीं किया था, मैंने कवर किया था कि वहां डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए थे टकाक। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब ये एससीओ का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यू जस्ट कैन नॉट सेटल योर बायलैटरल स्कोर हियर, सो फॉर दैट मैटर यू हैव टू एंगेज ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट एंड इन चैलेंजेस व्हिच ऑल द मेंबर कंट्रीज आर फेसिंग। फॉर इंस्टेंस जी, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ये वो सारी चीजें मुझे नहीं पता वैसे एससीओ का क्या मकसद है, क्योंकि चाइनीज जो है ना वो इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहते या बना नहीं सकते। इकोनॉमिकली वो हर मुल्क के साथ बायलैटरली एंगेज हैं, तो मतलब व्हाट इज द पर्पस? दे हैव ब्लॉक्स, दे हैव क्लब्स, दे आर जस्ट चेकिंग द लॉयल्टी, दे आर मेकिंग इट अ ओल्डर ब्लॉक्स, दे वॉन्ट टू गेन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर मेंबरशिप्स इन दीज ब्लॉक्स एंड द एंड ऑफ द डे इन रिटर्न व्हाट द चाइनीज विल ऑफर टू द वर्ल्ड, दैट्स अ क्वेश्चन। सो इंडिया की यह खूबी है, यू नो, इफ यू हैव अंडरस्टूड, आई हैवंट सीन हर्ड सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मे बी और पाकिस्तानी फॉरन मिनिस्टर। फॉर इंस्टेंस जयशंकर ये कहता है कि जी हमारे ताल्लुकात जो है ना, एक था नॉन अलाइनमेंट, नो दिस इज एरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट।
सो इन अ मल्टी अलाइनमेंट वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड? इंडिया सेज कि हम एससीओ से भी बात करेंगे, ब्रिक्स से भी बात करेंगे, पाकिस्तान से भी करेंगे, सबसे करेंगे, अमेरिका से भी करेंगे, रूस से भी करेंगे, हम किसी के साथ जो है वो नहीं खत्म करने वाले. सो उनके लिए एक बड़ी सीधी सीधी सी ये पॉइंट है कि ये मल्टी अलाइनमेंट है, ये इरा जो है नॉन अलाइनमेंट का नहीं है. एक वक्त था, उस वक्त लड़ाई थी, हमारे पास दो चॉइसेस थी, हम रूस जा सकते थे या अमरीका जा सकते थे, हम दोनों तरफ नहीं गए. लेकिन जारी बात है इंडिया ने रूस से बहुत कुछ ले लिया ना कहते हुए भी, और अमेरिका से भी बहुत कुछ ले लिया ना कहते कहते, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी कीमत अदा की. पाकिस्तान ने क्या कीमत अदा की कि हम थोड़े से वो हो गए, बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका हो गए, जमहूरियत खत्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन है कोई नहीं था, हमने अपनी तबाही बर्बादी के सारे सबब पैदा किए.